हेलो। हेलो हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे बताओ मैं ऑडिबल हूँ या नहीं हूँ। अगर मैं ऑडिबल हो रहा हूँ, आवाज़ क्लियर आ रही है, तो आप ज़रूर थम दीजिएगा। यस, हेलो। हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आपकी पढ़ाई अच्छी चालू होगी। ओके, और कल हमने जो डिस्कशन किया उसके ऊपर आपने भी रिवीजन किया होगा। उस बात को ध्यान में रखते हुए हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर से एक बात समझ लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके डाउट्स और क्वेश्चंस अभी जो है लाइव चैट में आपको नहीं पूछना है। दूसरा, अननेसेसरी ओके कोई दूसरी कमेंट पास नहीं करना है। हम एजुकेशन के लिए आया बेटा, और मेरा काम है आपको प्रॉपरली ट्रेन करना। मैं पहले ही कह देता हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। इसलिए यहाँ मैं लाइव भी आया हूँ तो मैं मोस्टली पढ़ाने का काम करूँगा। इज इट क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कह देता हूँ कि कल हमने हमारे सेशन के बाद आपको ये जो यहाँ जूम का लिंक दिया था और आपने ज्वाइन किया, मैं फिर से आप सभी को एक बार कह दूँ कि यहाँ पे बेटा नो डाउट मैं भी आपके साथ फेवर में हूँ कि हमने इंडियन ऐप ही या इंडियन वेबसाइट ही यूज़ करना चाहिए। अभी एक नया वेबसाइट नमस्ते करके वो आया है, पर वो एंड्रॉयड में नहीं आया है। और दूसरी बात, प्लीज कि वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट अब आते हैं अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स ऑन इवेबल, ठीक है। चलिए, तो
इस पे हम हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फिर से मैं कह दूं कि ये सेशन लेने का मेरा बस ऑब्जेक्ट यही है कि इस पे आपका प्रैक्टिस होना जरूरी है, जिसका गाइडेंस मैं इसके थ्रू आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, यहाँ पहला क्वेश्चन ईवे बिल से रिलेटेड। विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक वे बिल ईवे बिल एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर जीएसटी लॉ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, पहला, सिद्धि टॉयज मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड इन पंजाब सोल्ड इलेक्ट्रॉनिक टॉयज टू रिटेलर रिटेल सेलर इन गुजरात एट वैल्यू 48,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी लेवीबल 18%। नाउ इट वांट टू सेंड अ कंसाइनमेंट ऑफ सच टॉयज टू रिटेल सेलर इन गुजरात। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे 48,000 दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, पर एक्सक्लूडिंग दिया है, एक्सक्लूडिंग यहाँ पे दिया है। नाउ इट वांट टू सेंड द कंसाइनमेंट ऑफ सच टॉयज टू रिटेल सेलर्स इन गुजरात। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस सिद्धि टॉयज मैन्युफैक्चरर ऑन द फॉलोइंग इश्यूज। फर्स्ट, वेदर ईवे बिल इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मूवमेंट ऑफ गुड्स। सेकेंड, इफ यस, हु इज रिक्वायर्ड टू जनरेट द ईवे बिल। एंड थर्ड, सी, वॉट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन इश्यूएंस ऑफ ईवे बिल। बेटा, मैं आपको ये कहूँगा कि यहाँ पे अब मैं आपको यहाँ ये कहूँगा कि अभी इस बार की पढ़ाई, अब जैसे आपने बुक्स पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अब डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर से भी आप करोगे तो चलेगा। आंसर स्टार्ट में रीड करने की कोशिश करना, इंस्टीट्यूट का पैटर्न फिर से देखना। ये मैं इसलिए 2 मिनट में रिवाइज करो कि शायद हो सकता है कि पहले 2 सेशंस को स्टूडेंट्स ने नहीं देखे होंगे। तो जो भी स्टूडेंट ने पहले 2 सेशंस नहीं देखे हैं, मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे इस बात पे आते हैं बेटा कि ईवे बिल। चलो 2 सेकंड के लिए अज्यूम करते हैं कि आपको कुछ भी नहीं याद आया, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, डोंट वरी, मेरा क्वेश्चन यहाँ भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है कि ऐसे देखना है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ कोशिश करते कुछ याद आ रहा है क्या, नहीं तो आंसर के बेस पे हम हमारी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन यहाँ को भी आपको इस तरह से ही पढ़ना है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। ठीक है, क्या हुआ कि यहाँ पे ईवे बिल थोड़ा याद आता है क्या, हाँ, 50,000 के ऊपर अगर होगा तो हमें ईवे बिल चाहिए, अमाउंट 50,000 के ऊपर हुआ तो हमें ईवे बिल मैंडेटरी है। तो इन्होंने पूछा कि क्या ईवे बिल मैंडेटरी है। दूसरा, ये हु इज रिक्वायर्ड टू जनरेट द ईवे बिल, अगर आप कहोगे रजिस्टर्ड पर्सन तो आंसर गलत हो जाएगा। अब मैं ये कहूँगा कि अ पर्सन हु कॉजिंग द मूवमेंट, मे बी कंसाइनर, कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर। शॉर्ट समरी आंसर हम यहाँ पे सोचने की कोशिश करते हैं, ऐसा 2 मिनट के लिए सोचते कि आपने बिल्कुल ही, ऑडियो नहीं आ रहा है आपको क्लियर? यस, अभी क्लियर आ रहा है ऑडियो? हेलो, मैं मैसेज देख रहा हूँ, ऑडियो क्लियर है बेटा? अटक रहा है। चलो 2 मिनट मुझे टाइम दीजिए, मैं टेक्निकल प्रॉब्लम फिक्स करता हूँ। यहाँ 2 मिनट का टाइम मैं आपको करूँगा।
हेलो, हेलो, अब साउंड क्लियर है? बता बताओ बेटा, अब साउंड क्लियर है आपको? ओके ओके चलो, अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सभी रेडी हो बेटा? अभी साउंड का तो मैंने क्लियर किया, देखते हैं अब। ओके, आई होप सेशन अच्छा स्टार्ट होना चाहिए। नाउ यहाँ यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस, वापस आते हैं, एडवाइस सिंधी टॉयज मैन्युफैक्चरर ऑन फॉलोइंग केसेस। चलो, अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सभी रेडी हो ठीक है? वेदर ईवे बिल इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मूवमेंट इन गुड्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, यहां पे इफ यस हु इज रिक्वायर्ड टू जनरेट द ईवे बिल, यहां ईवे बिल कौन जनरेट करेगा? और नेक्स्ट, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन इश्यूएंस ऑफ ईवे बिल? तो यहां पे देखिए बेटा, पहली बात तो आपको आंसर जो है एक लाइन में याद आ जाएगा, एक लाइन में याद आ जाएगा कि यस ईवे बिल तो हमें चाहिए। ओके, पर अब ईवे बिल की जो रिक्वायरमेंट है, जिसमें क्राइटेरिया है 50,000 का, आपको याद होगा, तो क्राइटेरिया है 50,000 का, तो आपके दिमाग में क्या आंसर आएगा? आपके दिमाग में आया कि ये तो 48,000 ही है, ये 48,000 है तो ऐसे सिचुएशन में ईवे बिल नहीं लगेगा। आप गलत हो जाओगे बेटा, यहाँ आपको क्यों, यहाँ पूरे मार्क्स कट जाएंगे आपके, यानी जो मिलने वाले मार्क्स है एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग से ये हो जाएगा। सर कैसे? आपको याद होगा तो ईवे बिल के लिए
आई रिपीट, ओके, अगर नहीं भी याद होगा तो अभी समझ लो, ये एक तरीका होता है कि पढ़ लिया लेकिन अब जो है क्वेश्चन आंसर से समझेंगे वापस को सब्जेक्ट को, और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि उसको पॉइंट्स में कैसे लिखना, ठीक है। तो अब आपकी स्टडी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे आपका ध्यान लाऊंगा कि 48,000, अब 48,000 जो है इवेबल आपका आंसर आएगा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा आंसर गलत हो जाएगा। तो फिर क्या आपको याद होगा, तो ईवे बिल में जब वैल्यू निकालते हैं, कंसाइनमेंट की वैल्यू जो 50,000 के लिए होती है, उसमें जीएसटी भी ऐड करते हैं और एग्जाम सप्लाई एक्सक्लूड करते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना, उसमें जीएसटी भी ऐड करते हैं और एग्जाम सप्लाई एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में ये 48,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी है बेटा, अब ये 48,000 अगर एक्सक्लूडिंग जीएसटी है तो इसमें हमको जीएसटी ऐड करना पड़ेगा। अगर आप कैलकुलेटर लोगे तो यहाँ जीएसटी ऐड होगा, और ये जीएसटी ऐड होने के बाद मैं आपको यही कहूँगा कि यहाँ पे अमाउंट 50,000 के ऊपर जाएगी और आपको ई वे बिल देना जरूरी है, ठीक है। अब इसमें हमने दो पॉइंट कंसिडर किए, और एक्सप्लेन करते वक्त आपको ये दोनों पॉइंट एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि 50,000 के ऊपर ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होगी और दूसरा मैंडेटरी होगा, और दूसरा वैल्यूएशन करते वक्त सेक्शन 15 की वैल्यू प्लस टैक्सेस भी ऐड करने पड़ेंगे एक्सक्लूडिंग एग्जाम सप्लाई, ठीक है। ये दो पॉइंट पे पूरा आंसर है और इसको दो मार्क रहेंगे। अब बेटा यहाँ पे ये दो मार्क पूरे 100% कैसे यहाँ पे आपके सिक्योर्ड करना है, इस पर हम बात करेंगे। अगर बेटा मैं यहाँ पे आऊँ तो ये जो आंसर दिया है बड़ा लेंदी दिया है, ओके, और ये हमारी टेक्निक है। और आज हमारा डिस्कशन होने के बाद आपको सिर्फ आधी घंटा इसको समराइज़ करना है, सिर्फ आधी घंटा देना, तो ये हमारा डिस्कशन फ्रूटफुल हो सकता है। मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा, जिसको भी मेरा सेशन स्लो लग रहा है, ओके, वो प्लीज़ बाद में, ओके, रिकॉर्ड होने के बाद फास्ट फॉरवर्ड करके देखें। पर मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे साथ देख लें, तो आप मेरे साथ पूरा कंप्लीट डिस्कशन कर पाओगे बेटा, और आपका टाइम इफेक्टिवली यूज़ होगा। नाउ यहाँ पे अब अगर आंसर देखने का, इंस्टीट्यूट का आंसर जो किस तरह से दिया गया, तो आंसर देखोगे तो इन्होंने रूल कोट किया, रूल 138, रूल 138। तो इस बार अब कैसा है कि आपका ये जो है एनालिसिस भी होना चाहिए कि भाई इस बार ईवे बिल पे अगर क्वेश्चन पूछा तो आपने साइड में ये बात भी लिख लेना चाहिए कि यार इसका सेक्शन और रूल हमें याद रखना पड़ेगा, ईवे बिल का सेक्शन 68 और रूल यहाँ पे 138 हमें याद रखना पड़ेगा। एग्ज़ाम में अगर आप ये लिखो तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, यानी बाकी के पेपर से आपका पेपर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो रूल याद करने की कोशिश करना, 138। सब रूल नहीं भी याद रहे तो चलेगा, पहले मैं इसको रीड करता हूँ, फिर आपको एक टेक्निक बताता हूँ कि इसको स्लो, इसको शॉर्ट कैसे किया जाए, क्योंकि इतना लेंदी लिखोगे दो मार्क्स के लिए तो आपको पर टाइम ही नहीं मिलेगा। और बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि ये लेंदी आंसर्स को कैसे शॉर्ट करने चाहिए, तो ऐसे मैं रीड करता हूँ, आप भी मेरे साथ रीड कीजिएगा। यहाँ पे रूल 138 ऑफ सी जी एस टी रूल्स 2017, ठीक है, प्रोवाइड दैट ईवे बिल इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इफ द गुड्स आर मूव्ड इंटर एरिया इन रिलेशन टू सप्लाई एंड द कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स 50,000। अब देखो ये कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, ओके, गुड्स आर मूव्ड एंड इंटर एलिया सप्लाई, ओके, एक्सीड्स 50,000, ये वर्ड को ध्यान रखिएगा। मुझे क्या वर्ड चाहिए आंसर लिखने की चीज, ये आपकी यहाँ टेक्निक होगी, मुझे एक्सीड्स 50,000 ये वर्ड याद रखना है। उसके बाद में फर्दर एक्सप्लेनेशन टू रूल 130 स्टिपुलेट दैट कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स, कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ द गुड्स शैल बी द वैल्यू डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 15 डिक्लेयर इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई डिलीवरी चालान एज द केस मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड कंसाइनमेंट एंड इंक्लूड सी जी एस टी एस जी एस टी और यू टी जी एस टी एंड सेस चार्ज इफ एनी इन द डॉक्यूमेंट एंड शैल एक्सक्लूड वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई shall exclude value of exempt supply of goods where invoice is issued in respect of both exempt and taxable supply of goods। चलिए अब बेटा आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि क्या आप ऐसा का ऐसा लिखोगे, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने पॉइंट उसमें से खींच लिए, जो उसने उसमें से मेन पॉइंट जो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिए जिस पे मुझे आंसर लिखना है, तो बेटा इतना लेंदी आंसर तो नहीं लिखूंगा, ओके, मैं ऐसा लिखूंगा, ओके, एज पर रूल सिंपल वर्ड्स में आपके पॉइंट्स आ जाने चाहिए, जितना सिंपल वर्ड्स में लिखोगे उतना आपको हेल्प होगा। तो आपके इसमें पॉइंट्स कवर हो जाने चाहिए, क्या पॉइंट्स कवर होने चाहिए कि एज पर रूल 138, ओके, ईवे इज मैंडेटरी व्हेन गुड्स कॉजिंग द मूवमेंट एंड इट्स वैल्यू एक्सीड्स 50,000। बस एक लाइन में खत्म, इट्स वैल्यू इफ कंसाइनमेंट वैल्यू यानी गुड्स कॉजिंग द मूवमेंट एंड कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स 50,000 तो ईवे बिल मैंडेटरी हो जाएगा। पॉइंट नंबर टू,
यहाँ पे अब मुझे सेकेंड पॉइंट वैल्यूएशन कैसा करना है, तो अंडर रूल 138 वैल्यू शैल बी डिटरमाइन एज पर सेक्शन 15 विच ऑल्सो इंक्लूड्स GST एंड सेस बट एक्सक्लूड, यानी इतना भी क्यों लिखना CGST, SGST, UT GST, IGST, टाइम होगा तो जरूर लिखना, बट विच ऑल्सो इंक्लूड GST एंड सेस बट एक्सक्लूड्स एग्जम सप्लाई, बस खत्म, दो लाइन खत्म। ओके और यहाँ पे आपको या अगर आपने ये 18% ऐड कर दिया तो आपकी वैल्यू 56,000, ये कैलकुलेशन बताना अकॉर्डिंगली, द कंसाइनमेंट वैल्यू इज 56,614 और उसके बाद में ईवे बिल इज मैंडेटरी, ये पॉइंट आपको लिखना है। ऐसी चार लाइन में आपको दो मार्क के लिए आंसर आना चाहिए, अगर ये चार लाइन लिखोगे तो हाफ हाफ हाफ, यानी आपने जो पॉइंट लिखना था वो कवर कर लिया दोस्तों यहाँ पे, और इस तरह से आपने मार्क्स भी स्कोर कर लिए, कैलकुलेशन भी बता दिए, कंक्लूजन भी दे दिया। तो इस चार लाइन में आपको लिखना है, जितना हो सके लीगल जार्गन्स अवॉइड करो, जितना हो सके सिंपल वर्ड्स में अपना पॉइंट कन्वे करो, वो आपको ज्यादा हेल्पफुल होगा। चलो अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो मुझे यहां सुन पहली बार सुन रहे होंगे या जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, ओके जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है दोस्तों, तो यहां ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कुछ, एक जस्ट मिनट, ठीक है यहाँ मैं क्योंकि मैं भी लाइव यहाँ पे आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, सो दैट कि आवाज़ का कोई प्रॉब्लम होगा या ऑडियो का कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं भी आपके साथ चेक कर लूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा यहाँ पे कि इफ़ यस हु इज़ रिक्वायर्ड टू जनरेट ईवेबल, अब ये भी दो मार्क के लिए आपको आंसर लिखना है। अब दो मार्क के लिए अगर ये पूछा गया होगा तो इसका आंसर उन्होंने देखो इतना लेंदी दिया है कि मुझे कोई इसमें ये समझ में नहीं आता है कि इतना लेंदी आंसर हम दो मार्क्स के लिए कैसा लिखें, आप समझ रहे हो मेरी बात। ओके यहाँ पे इसलिए मैं आपको इतना कहना चाहूँगा या ध्यान से सुनिएगा कि यस यहाँ पे इसको शॉर्ट कैसे करना है, ईवे बिल कौन जनरेट करेगा, हमारे दिमाग में ईवे बिल अ पर्सन हु कॉजिंग द रजिस्टर पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट, लेकिन उसमें फिर अलग अलग ऑप्शन भी दिए हैं। ओके तो मैं पढ़ता हूँ अलग अलग ऑप्शन क्या दिए, यानी अगर आपने दो मार्क के लिए सिर्फ इतना आप लाइन लिखा कि अ रजिस्टर पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट, ओके वो ईवे बिल जनरेट करेगा, तो फिर बहुत शॉर्ट में आपने आंसर लिख दिया। ओके उनके एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा है, तो पहले आप मेरे साथ आंसर यहाँ पे देखिएगा। दूसरी बात ये फिर से बता दूँ कि जो यहाँ पे ईवे बिल नहीं भी पढ़ रहे होंगे पर उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, ओके ध्यान से देखना, उनकी अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ बढ़ रही है बेटा, तो अब मैं यही कहूँगा कि वो जो है यहाँ मेरे साथ ओके ये आंसर पड़ेगा, एंड ईवे बिल कंटेन टू पार्ट्स नेमली पार्ट ए टू बी फर्निश बाय रजिस्टर पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 एंड पार्ट बी टू बी फर्निश बाय पर्सन हु इज ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रजिस्टर पर्सन एज अ कंसाइनर और एज अ रिसिपियंट ऑफ सप्लाई ऑफ अ कंसाइनी। मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रजिस्टर पर्सन ओके कंसाइनर और रिसिपियंट ऑफ द कंसाइनी वेदर इन इज ओन कन्वेंस हायर्ड वन और पब्लिक कन्वेंस बाय रोड द सेल पर्सन शैल जनरेट द ईवे बिल ओके ऑन कॉमन पोर्टल आफ्टर फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी। ओके अब ध्यान से सुनो, ये इतना बड़ा कंटेंट दो लाइन में आपको कंप्लीट करना है, कौन सी दो लाइन, ओके यहाँ पे वेयर गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, ध्यान से सुनना, गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन मे बी कंसाइनर और कंसाइनी दे आर रिक्वायर्ड टू जनरेट द ईवे बिल एंड कंप्लीट पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ ईवे बिल नाउ। अब मैं आपको ये पहला पैरा कोई जरूरी नहीं है ओके यहाँ पे अबव 50,000 क्यों, क्योंकि इसी क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमने 50,000 का पॉइंट क्लियर कर दिया, इसलिए उसको रिपीट करने की मुझे नहीं लगता फिर से जरूरत है।
ठीक है। उसके बाद में बेटा यहाँ पे आपको मेन पॉइंट पे फोकस लाना है कि रजिस्टर्ड पर्सन अगर ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो वो कंसाइनर हो या कंसाइनी हो, उसे ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अगर ये पॉइंट लिख सको तो अच्छी बात है। फिर वो ट्रांसपोर्टेशन कोई भी मोड से हो, पब्लिक हो या खुद का कन्वेंस हो, तो भी वो केस में उसको ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ में वो हमारे से क्या चाहते हैं और उसको शॉर्ट कैसे करना है। नेक्स्ट, वेयर गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे और बाय एयर और बाय वेसल। ओके, तो ये ट्रांसपोर्टेशन मोड के बारे में क्या कहते हैं। ईवे बिल शैल बी जनरेटेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन बीइंग अ सप्लायर और रिसिपियंट हु शैल इधर बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट फर्निश द कॉमन पोर्टल इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी। हाँ, तो अब इसको कैसे शॉर्ट करना है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, बाय रोड होगा तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों इंफॉर्मेशन आपकी कंप्लीट होना जरूरी है। अगर बाय रोड होगा तो, बाय वेसल एयर और एयरक्राफ्ट होगा तो ऐसे सिचुएशन में, सॉरी रेलवे एयर और एयरक्राफ्ट वेसल होगा तो वो सिचुएशन में मैं आपको इतना कहूँगा कि यहाँ पे आपने ईवे बिल बाद में भी प्रोड्यूस किया मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद, जैसे रोड में मूवमेंट स्टार्ट होने के पहले आपको ईवे बिल कंप्लीट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद भी आपने ईवे बिल जनरेट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, जिसमें पार्ट बी जो है आप बाद में भी ओके कंप्लीट करके कॉमन पोर्टल पे सबमिट कर सकते हो मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद। तो इसको दो लाइन में कैसे लिखना चाहिए। ओके, इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेलवे एयर और वेसल पार्ट बी ऑफ ईवे बिल कैन बी फिल्ड अप ऑन कॉमन पोर्टल आफ्टर द मूवमेंट। ओके, प्रायर और आफ्टर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, इतने दो लाइन में लिखा तो भी चलेगा, इतना कंप्लीट इस वर्ड्स में नहीं लिखने की जरूरत है, मैं आपको पहले कह रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन में वो क्या चाहते हैं, वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर टू ट्रांसपोर्टर फॉर ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ट्रांसपोर्टर ऑन कॉमन पोर्टल एंड ईवे बिल शैल बी जनरेटेड बाय ट्रांसपोर्टर ऑन सेड पोर्टल ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश बाय पर्सन इन पार्ट ए। अब यहां पे अगर आपने गुड्स ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर कर दिया तो वो केस में एक ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि पार्ट ए ऑफ द ईवे बिल टू बी फर्निश बाय द कंसाइनर और कंसाइनी एंड पार्ट बी ऑफ दैट ईवे बिल विल बी फर्निश बाय ट्रांसपोर्टर, बस दो लाइन। ओके, इफ गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर फॉर द मूवमेंट देन इन दैट केस पार्ट ए इंफॉर्मेशन टू बी गिवन बाय कंसाइनर और कंसाइनी अ रजिस्टर पर्सन एंड पार्ट बी इंफॉर्मेशन टू बी कंप्लीटेड बाय ट्रांसपोर्टर। ये पॉइंट आपको ये लिखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ओके ट्रांसपोर्टर को दे रहे हो पर आपको नहीं पता कि क्योंकि अभी तक व्हीकल फाइनल नहीं हुआ है, व्हीकल नंबर फाइनल नहीं हुआ है, पर आपने हैंड ओवर कर दिया है तो वो केस में सिर्फ आपको पार्ट ए की इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, पार्ट बी की इंफॉर्मेशन वो कंप्लीट करता है। ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट, वेयर कंसाइनर और कंसाइनी हैज नॉट जनरेटेड द ईवे बिल एंड एग्रीगेट ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू कैरीड गुड्स कैरीड इन कन्वेंस मोर देन 50,000 द ट्रांसपोर्टर एक्सेप्ट इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेलवे एयर वेसल शैल इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई जनरेट ईवे बिल ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस बिल और चालान डिलीवरी चालान एज द केस में भी एंड मे ऑल्सो जनरेट कंसोलिडेटेड ईवे बिल। मुझे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कंसोलिडेटेड ईवे बिल ओके और दोनों जनरेट नहीं कर रहे ऑन कॉमन पोर्टल। अब ये पॉइंट में ICAI क्या आपसे चाहती है, ICAI वो भी पॉइंट चाहती है कि भाई ईवे बिल अगर कंसाइनर और कंसाइनी दोनों ने ईवे बिल जनरेट नहीं किया, दोनों ने जनरेट नहीं किया, हो सकता है ओके यहाँ पे दोनों अनरजिस्टर्ड हो सकता है कि वैल्यू ओके यहाँ पे 50,000 के नीचे हो, हाँ हो सकता है वैल्यू 50,000 के नीचे हो, लेकिन जो कन्वेंस में गुड्स जा रहा है, सुनो जो कन्वेंस में गुड्स जा रहा है उसकी एग्रीगेट वैल्यू यानी उसमें कंसाइनमेंट वैल्यू एग्रीगेट ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू, क्योंकि जो कन्वेंस में गुड्स जा रहा है उसमें 3-4 लोगों के गुड्स है और उसकी एग्रीगेट कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 के ऊपर होगी तो ऐसे केस में ट्रांसपोर्टर को ईवे बिल यानी EWB01 ये जनरेट करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टर को करना पड़ेगा और कंसोलिडेटेड ईवे बिल EWB02 यानी कन्वेंस का ईवे बिल होता है EWB02 वो भी जनरेट करना पड़ेगा और जो अगर कंसाइनर या कंसाइनी ने भी जनरेट नहीं किया तो ट्रांसपोर्टर को जनरेट करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट हो गए। अब इतने बड़े आंसर को 2 मार्क के लिए आप कैसे लिखोगे पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स आपके फटाफट 3 से 4 लाइन में कवर होने चाहिए। पहला, ईवे बिल शैल बी जनरेटेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, इट मे बी अ कंसाइनर और
कंसाइन ही, ओके, फॉर ऑल मोड ऑफ कन्वेंस. दूसरा पॉइंट यहाँ पे, नेक्स्ट, इन केस ऑफ रेलवे, एयर और एयरक्राफ्ट. क्योंकि पहला पॉइंट लिखा तो पूरे मार्क्स मिलेगा ऐसा नहीं है, इंस्टीट्यूट के एक्सपेक्टेशन आपसे समझ लो. ओके, रेलवे वेसल एयरक्राफ्ट, ओके, पार्ट बी, इंफॉर्मेशन ऑफ यूबिल कैन बी फर्निश प्रायर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑन कॉमन पोर्टल. उसके बाद में नेक्स्ट, ओके, व्हेन गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर देन पार्ट ए of that evable to be furnished by registered person, consigner or consignee, and part B will be completed by the transporter. Or last, if evable is not generated by consigner or consignee and consignment value more than 50,000, okay, more than 50,000, aggregate consignment value more than 50,000, then in that situation, okay, here transporter has to generate evable W01 and evable W02. ये इतने सब points आपसे institute expect कर रही है, ये आप ध्यान रखना. इसलिए आप RTP जो पढ़ोगे पिछले 3-4 साल की, 2 साल की RTP जरूर पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट की RTP तो भी आपने पढ़ना चाहिए, या आप ये पढ़ रहे हो तो आपका ये पूरा ध्यान होना चाहिए कि समराइज कैसे करें, सिंपल वर्ड्स में कैसे लाए, और हमारे सामने टारगेट रखना कि विद इन 3-4 लाइन्स. नहीं तो टाइम पे बिल्कुल याद नहीं आता है कि हमने क्या लिखना चाहिए. ठीक है, ये हमने डिस्कशन किया. उसके बाद में सी, सी में वो क्या कह रहे, देखो अगर क्वेश्चन नंबर 1 में मैं सी में जाऊं, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉन इश्यूएंस ऑफ इवेबल. अगर इवेबल नहीं दिया गया, ओके, फर्स्ट का सी नहीं दिया गया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस है. सीधी बात है, ये तो सिंपल कोई भी बता देगा कि पेनल्टी भी लगेगी, आई रिपीट, पेनल्टी भी लगेगी और कॉन्फिस्केशन भी होगा. पर दो लाइन में थोड़ी लिखना है आपको, आपको पहले आंसर देखना है, इंस्टीट्यूट क्या चाहती है, कैसे रंगाना है. तो बेटा यहाँ पे चलो पहले मैं आंसर रीड करता हूँ और उसके बेस पे हम हमारा आंसर बनाएंगे. ओके, देखो, इट इज मैंडेटरी टू जनरेट इवेबल इन ऑल केसेस वेयर वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड इज मोर देन 50,000 एंड इट डज नॉट अदरवाइज एग्जम्प्टेड इन टर्म्स ऑफ, ओके, 138(14). If evable is wherever required and are not issued in accordance with the provision contained in rule 138, ये लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. द सेम शैल बी कंसिडर एज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रूल्स एज पर सेक्शन 122. अ टैक्सेबल पर्सन ट्रांसपोर्ट एनी टैक्सेबल गुड्स विदाउट कवर ऑफ स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट शैल लायबल टू पेनल्टी 10,000 और टैक्स ऑट टू बी इवेडेड. और एज पर सेक्शन 129(1), आपका गुड्स जो है, ओके, ट्रांजिट में इन कॉन्ट्रावेंशन होगा तो आपका गुड्स है यहाँ पे लायबल टू बी डिटेन एंड सीज, लायबल टू बी डिटेन एंड सीज. अब अगेन 2 मार्क के लिए कैसे शॉर्ट करें. अब देखो पहला पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. पहला पॉइंट जो उन्होंने क्या कहा है, पहले पॉइंट में उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि भाई 50,000 के ऊपर आपको इवेबल चाहिए. दूसरे पॉइंट में कि जहां जहां भी इवेबल रिक्वायर्ड है एज पर रूल 138 तो वहां आपने इवेबल नहीं बनाया तो इन कॉन्ट्रावेंशन है. अब बेटा ये दोनों पॉइंट्स मुझे नहीं लगता है कि लिखने की जरूरत है. अगर आपने ये सेकेंड वाला पॉइंट कवर कर लिया ना कि इवेबल वेर एवर रिक्वायर्ड, उसमें फिर 50,000 भी आ गया. वेर एवर रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 138 एंड विच इज नॉट जनरेटेड देन इट विल बी ट्रीटेड एज कॉन्ट्रावेंशन. बस पहले लाइन इज ओवर, फर्स्ट लाइन इज ओवर. आप मेरी बात समझ रहे हो? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शॉर्ट कर दो. अब 50,000 से ज्यादा वेरेवर में 50,000 आ गया तो आपका पॉइंट क्लियर हो गया. उसके बाद में, ओके, 10,000 और टैक्स ऑट टू बी इवेडेड जो है, ओके, उसके बेस पे यहां पे पेनल्टी लगेगी. और सेक्शन 129 में, ओके, अगर इन ड्यूरिंग ट्रांजिट अगर आपके पास यहां पे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो गुड्स आर लायबल टू डिटेन एंड सीज एज वेल एज कॉन्फिस्केशन भी हो सकते हैं. बस इतना ही लिखना है, पूरा 129 एक्सप्लेन नहीं करना है. तो देखो बेटा जितना समराइज करोगे, शॉर्ट करोगे, आपको पढ़ने में भी उतना मजा आएगा. आप बात को समझ रहे हो? आपको पढ़ने में भी उतना मजा आएगा. ठीक है, तो चलो यहां पे नेक्स्ट. अब हम ये हमने ए बी सी देखा, आपने आधी घंटा देना है, मैंने जो भी पॉइंट्स कहे हैं वो फटाफट लिख लेना है, रिकॉर्डेड सेशन अपलोड हो जाएगा. अगर कुछ भूल गए तो फास्ट फॉरवर्ड में 1.5 1.75 में मैंने क्या बोला था उतने स्पीड में वो पॉइंट्स कवर कर लेना है अभी के अभी, तो ही आपको बहुत हेल्प होगी. उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड, पावर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ एयर कंडीशनर इज रिक्वायर्ड टू सेंड फ्रॉम मुंबई अ कंसाइनमेंट ऑफ पार्ट ऑफ एयर कंडीशनर टू बी रिप्लेस अंडर वारंटी एट वेरियस क्लाइंट लोकेशन इन गुजरात.
ठीक है, द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट डिक्लेयर इन डिलीवरी चालान। ओके, यहाँ पे पढ़ते वक्त ये डिलीवरी चालान जो है ये इंपॉर्टेंट है। अपन अकंपनिंग द गुड्स 70,000 पावर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स क्लेम दैट सिंस द मूवमेंट ऑफ गुड्स टू गुजरात इज कॉज ड्यू टू रीजन अदर देन सप्लाई, ईवे बिल इज नॉट मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इन दिस केस। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन टेक्निकल वेरेसिटी ऑफ द क्लेम मेड बाय पावर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। नाउ अगर आप ये केस स्टडी पढ़ते हो तो वो कह रहा है कि मैंने तो यहाँ जस्ट विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई किया है, अगर विदाउट कंसिडरेशन मैंने ट्रांसफ़र किया तो ये सप्लाई ही नहीं है, और अगर ये सप्लाई नहीं है तो वो केस में ईवे बिल नहीं लगेगा इवन द अमाउंट 70,000 है और उसका जो क्लेम है वो आपको चेक करना है। एक तरीका अभी इस क्वेश्चन को देखने का, आप अपनी बुक ओपन करो, अगर वहाँ से कुछ मिले। ओके, बुक ओपन, ओपन बुक whenever you are solving the questions, open book exam till your final exam, ठीक है, तो book open करो। अगर आप directly question answer से समझना चाहते हो तो वैसे भी समझ सकते हो, पर best तरीका है कि book open करो, related provisions पढ़ो और फिर questions को arrange करो और institute क्या चाहती है उस point में arrange कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपका अब यहाँ पे, क्या ऐसा है कि ईवे बिल सिर्फ सप्लाई के केस में होना चाहिए? नहीं। ओके, अगर आपका ट्रांजेक्शन सप्लाई नहीं भी होगा पर वैल्यू 50,000 के ऊपर होगी तो आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ईवे बिल का ऑब्जेक्ट कोई टैक्स लगाना नहीं है, ईवे बिल का ऑब्जेक्ट है कि जब आप कोई मूवमेंट करते हो तो उस मूवमेंट को कवरिंग डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, सो दैट फ्रॉड ना हो। तो चलो ओके, अगर एक लाइन में तो आंसर मिल गया हमें कि अगर सप्लाई नहीं भी होगा तो भी ईवे बिल लगेगा, पर बात एक लाइन की नहीं है। ओके, बात है कि हमें आंसर कैसे लिखना चाहिए और शॉर्ट करना चाहिए। चलिए मैं आ जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, गुड्स टू बी मूव टू अनादर स्टेट फॉर रिप्लेसमेंट अंडर वारंटी नॉट अ सप्लाई, हाउएवर अंडर 138 ऑफ CGST एक्ट इंटर अलिया स्टिपुलेट दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 ओके इन रिलेशन टू सप्लाई। हाँ, ये तीन पॉइंट जरूरी है, इन रिलेशन टू सप्लाई, इन और रीजन अदर देन सप्लाई एंड ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन शैल जनरेट द ईवे बिल। हाँ, ये पैरा आपका आना जरूरी है, पर आपने ध्यान दिया सही से? बिल्कुल प्रॉपरली ध्यान दो। अगर आपने यहाँ ध्यान दिया होगा तो अगर किसी स्टूडेंट ने डायरेक्टली अटैक किया कि नहीं वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 वेदर ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू सप्लाई और नॉट रिलेटेड टू सप्लाई और परचेसेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन या इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन देन ईवे बिल इज रिक्वायर्ड। अगर आपने इतना लिखा तो आपने एक पॉइंट मिस कर दिया। क्या? पहले तो इंस्टीट्यूट ने अगर यहाँ पे पहले ये एक्सप्लेन किया है कि वो ट्रांजेक्शन सप्लाई नहीं है क्योंकि अंडर वारंटी फ्री कंसिडरेशन है, तो आपने भी पहला पॉइंट कवर करना चाहिए कि भाई वो सप्लाई नहीं है, तो फिर हम स्पेसिफिक बात करेंगे। तो ऐसे केस में वो सप्लाई नहीं है, पर सेकंड पॉइंट आपका आना चाहिए कि ईवे बिल अगर वैल्यू एक्सीड्स 50,000 होगा तो आपको जनरेट करना पड़ेगा इवन दो इट्स नॉट अ सप्लाई। अब हो सकता है कि एग्जाम में लिखते वक्त अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपने लिमिटेड टाइम दिया है, तो चलो ये बाकी मत लिखो, आप इतना भी लिख दिए कि एज पर 138 इफ वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट एक्सीड्स ओके 50,000 देन पर्सन हु कॉजिंग रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजिंग द मूवमेंट ओके वेदर इट इज रिलेटेड टू सप्लाई और नॉट रिक्वायर्ड टू जनरेट द ईवे बिल, वेदर इट इज रिलेटेड टू सप्लाई और नॉट रिक्वायर्ड टू जनरेट द ईवे बिल। इसको ऐसा भी शॉर्ट कर सकते हो अगर आपको इतने डिटेल में नहीं जाना है। नेक्स्ट बेटा, आगे उन्होंने CBIC क्लैरिफिकेशन दिया, ईवे बिल ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट CBIC FAQ on EVA bill has also clarified that even if the movement of goods is caused due to reason other than supply, okay, EVA bill is required. तो हमको वो देने की ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपने ये देना चाहिए, अब क्योंकि सेक्शन रूल इटसेल्फ क्लियर है। और थर्ड पैराग्राफ में वो क्या चाहते हैं, इन गिवन केस द कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स 50,000 EVA bill is required to be mandatorily generated. Therefore, power of electrical limited EVA bill is not mandatorily required is not correct in law. तो हाँ, ये पैराग्राफ को आप और स्मॉल कैसे कर सकते हो, इन गिवन केस ओके वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ पावर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इज मोर देन 50,000 हेंस ईवे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड एंड हिज कंटेंशन इज नॉट करेक्ट इन लॉ। ओके, ये आपने पॉइंट कन्वे कर दिया। तो ये था इसको, ये सेकेंड पॉइंट को सॉल्व करने का तरीका। अब थर्ड पॉइंट अगर हम यहाँ पे ले तो थर्ड पॉइंट क्या,
ब्यूटी कॉस्मेटिक लिमिटेड हैज मल्टीपल होलसेल आउटलेट्स ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इन मुंबई महाराष्ट्र. इट रिसीव्स एन ऑर्डर फॉर कॉस्मेटिक वर्थ 1,20,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लेवियबल 18%. ठीक है. फ्रॉम प्रसन्ना ओनर ऑफ रिटेल कॉस्मेटिक स्टोर इन दिल्ली व्हाइल चेकिंग द स्टॉक. हाँ, अब यहाँ ये वन अंडरलाइन करना, इंक्लूसिव है और हमें ई वे बिल के लिए इंक्लूसिव ही चाहिए, जीएसटी ऐड करके चाहिए. तो मेरी एक बात ख्याल रखना, अगर आप इमीडिएट ये सेशन होने के बाद एक होमवर्क कर सकते हैं तो जरूर करना. क्या तो वैल्यूएशन की चार जगह वैल्यूएशन के कंसेप्ट यूज किए जा रहे हैं, जहाँ अलग अलग यूज किए जा रहे हैं. एक नॉर्मल वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सेक्शन 15. सेक्शन 15 में पहले टेबल में नॉर्मल वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सेक्शन 15, उसमें आपको ट्रांजेक्शन वैल्यू बट एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, आई रिपीट एक्सक्लूडिंग टैक्सेस लेना है वहाँ पे. ओके, इंक्लूडिंग ऑल अदर 15 एक्सपेंसेस बट एक्सक्लूडिंग टैक्सेस. इज इट क्लियर? आपको टैक्सेस नहीं कंसिडर करना है बट अदर टैक्सेस कंसिडर करना है. ओके, कौन से? एक्साइज, वैट, एक्सेट्रा. तो ख्याल रहे सेक्शन 15 में आपको जीएसटी ऐड नहीं करना है पर अदर टैक्सेस ऐड करना है. ये टेबल बना लिया. ओके, प्लस अदर एक्सपेंसेस ऐड करना है. नाउ दूसरी जगह आपको काम आता है टीडीएस में. टीडीएस में अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, आई रिपीट टीडीएस में अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मोर देन 2,50,000 होगी तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में आपको जो है यहाँ पे टीडीएस काटना पड़ेगा. तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकालते वक्त अगेन वैल्यू एज पर सेक्शन 15 एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एक्सक्लूडिंग एग्जाम सप्लाई. ओके, एग्जाम सप्लाई होगा तो वो भी एक्सक्लूड किया जाएगा, वो आपको पॉइंट याद रखना है. ओके, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, जब भी मैं टैक्सेस वर्ड यूज कर रहा हूँ मतलब जीएसटी, एक्सक्लूडिंग जीएसटी. हाँ, बाकी आपको ऐड करना है. बाकी क्या ऐड करना है आपको? कि बाकी आपको एक्साइज होगा, वैट होगा, सीएसटी होगा तो वो ऐड करना पड़ेगा. लेकिन जीएसटी होगा तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा टीडीएस के लिए. टीसीएस के लिए नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, उसमें रिटर्न एक्सक्लूड करना है. वैल्यू एज पर सेक्शन 15 ही लेना है लेकिन रिटर्न एक्सक्लूड करना है तो वहाँ आपको करना पड़ेगा. ई वे बिल में आपको अदर टैक्सेस तो ऐड करना ही है, जीएसटी भी ऐड करना है, यहां ये जरूरी है. उसके बाद में आपको एक बात बता दूं, रूल 42-43 में, जो आईटीसी का रूल 42-43 में है, उसके वो भी पॉइंट लो. आपको एग्जम सप्लाई की वैल्यू लेना है और एग्जम सप्लाई की वैल्यू लेते वक्त आपको जनरली हम वैल्यू में सेक्शन 15 यूज करते हैं पर वहां पे आपको एग्जम सप्लाई E/F, अगर याद होगा तो E/F लेते वक्त एक्साइज, वैट और सीएसटी एक्सक्लूड करना है. मतलब देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे? एक्साइज, वैट, सीएसटी सब जगह ऐड कर रहे थे. हाँ, कई जीएसटी एक्सक्लूडेड है तो स्पेशली ई वे बिल में इंक्लूडेड है. कई सेल्स रिटर्न एक्सक्लूडेड है नेट वैल्यू निकालने के लिए. तो ये सब फॉर्मूला आप प्रॉपरली डिजाइन करो, एक कंप्लीट टेबल बनाओ. रूल 42-43 में जब एग्जम सप्लाई की वैल्यू लोगे तो उसमें एक्साइज वगैरह भी एक्सक्लूड करोगे, वो प्रोविजन. तो इससे क्या होगा, डे बिफोर एग्जामिनेशन अगर ये टेबल पढ़ोगे और हर जगह आपका ये टेबल जो दिया है वो क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, एक टेबल रेडी है तो आप फास्ट में एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकते हो. ये भी लिमिट लिखो साथ साथ में कि कहाँ पे एक्सीडिंग 50,000 है, कहाँ पे एक्सीडिंग 2,50,000 है. तो ये अगर कहीं लिमिट दिया है तो एक्सीडिंग, लेस देन वगैरह ये भी कंसिडर करो तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा. तो बेटा यहाँ इंक्लूडिंग जीएसटी दिया हुआ है पर अब प्रॉब्लम देखो क्या हो रहा था. व्हाइल चेकिंग द स्टॉक इट इज फाउंड दैट ऑर्डर वर्थ 55,000 कैन बी फुलफिल्ड फ्रॉम द कंपनीज दादर मुंबई स्टोर एंड रिमेनिंग गुड्स वर्थ ₹65,000 कैन बी सेंड फ्रॉम इट्स मलाड स्टोर. बोथ द स्टोर्स आर इंस्ट्रक्टेड टू इशू सेपरेट इनवॉइसेस फॉर द पीरियड सेंड टू प्रसन्ना. हाँ, मुझे ये वर्ड पे ध्यान लाना है, सेपरेट इनवॉइसेस. The goods are transported to Prasanna in Delhi in a single conveyance owned by Radhe Transporter. Conveyance एक ही है transport के लिए. You are required to advise Beauty Cosmetic Limited regard to issuance of e-bill. अब थोड़ा इस बात को समझने की कोशिश करो. यहाँ पे क्या हुआ? Conveyance एक ही है, एक ही conveyance में पर अलग अलग store से load हो रहा है और अलग अलग store से load है और दोनों के अलग अलग invoice बन रहे हैं. अलग अलग इनवॉइस बन रहे हैं, कुछ क्वांटिटी इधर से लोड हो रही है, दूसरे क्वांटिटी दूसरे स्टोर से, मुंबई से लोड हो रही है और उसके अलग इनवॉइस बोल रहे हैं. अब ख्याल रहे, जब भी ई वे बिल का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको इंटरस्टेट ही आएगा. क्यों? क्योंकि इंटरस्टेट के ई वे बिल के रूल्स हमको अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए जब भी ट्रांजेक्शन आएगी ई वे बिल के इंटरस्टेट के ही आएंगे. आप मेरी बात समझ रहे हो? दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे,
कि अगर मैं एक से ज़्यादा इनवॉइस बना रहा हूँ, सुनिए ध्यान से, अगर मैं एक से ज़्यादा इनवॉइस बना रहा हूँ बेटा यहाँ पे, तो क्या दो तीन इनवॉइस का सिंगल ईवे बिल बना सकता हूँ क्या? नहीं। ओके, इस पे एक क्लैरिफिकेशन है कि दो तीन इनवॉइस का आप सिंगल ईवे बिल नहीं बना सकते। मेन पॉइंट है कि आपको इनवॉइस वाइज ईवे बिल बनाना पड़ता है। अगर क्यों ना वो एक ही कन्वेंस में जा रहा हो, आई रिपीट, क्यों ना वो एक ही कन्वेंस में जा रहा हो, लेकिन आपको इनवॉइस वाइज ईवे बिल बनाने पड़ते हैं, तो ये मेन पॉइंट हमारा डिस्कशन का होगा। लेकिन इंस्टीट्यूट कैसे इसको एक्सप्लेन कर दिए और कौन कौन से पॉइंट्स हमने कैच करने चाहिए हमारे एक्सप्लेनेशन के लिए, चलो पढ़ते हैं। ओके, देखिए, सी, ब्यूटी कॉस्मेटिक लिमिटेड वुड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर टू सेपरेट ईवे बिल सिंस ईच इनवॉइस वैल्यू एक्सिड्स 50,000 एंड ईच इनवॉइस कंसीडर एज वन कंसाइनमेंट फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग ईवे बिल। अब देखो यहां पे, और बाद में उन्होंने दिया कि सीबीआईसी क्लैरिफाइड दैट इन मल्टीपल इनवॉइसेस, ओके, इन मल्टीपल इनवॉइसेस आर इश्यूड बाय द सप्लायर टू वन रिसिपियंट दैट इज फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स फॉर मोर देन वन इनवॉइस ऑफ सेम कंसर्न और कंसर्नी, मल्टीपल ईवे बिल हैज टू बी जनरेटेड। इन अदर वर्ड्स, फॉर ईच इनवॉइस वन ईवे बिल हैज टू बी जनरेटेड। हाँ, मेरे लिए अब समरी पॉइंट में और शॉर्ट पॉइंट में ये ज्यादा बेटर है। एज पर सीबीएसई क्लैरिफिकेशन, फॉर ईच इनवॉइस वन ईवे बिल हैज टू बी जनरेटेड, सिंपल वर्ड, ओके, जनरेटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर सेम इज डिफरेंट कंसाइनर और कंसाइनी आर इन्वॉल्व। बस ये लाइन मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और बाद में कंक्लूजन। ओके, तो अगर आप यहां पे सेपरेट इनवॉइसेस इश्यू कर रहे हो तो ईच ईवे बिल इज रिक्वायर्ड फॉर सेपरेट इनवॉइस, और उसको यहां पे डिफरेंट कंसाइनमेंट माना जाएगा, डिफरेंट कंसाइनमेंट माना जाएगा, और यहाँ दोनों कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होगी, कम ऑन, दोनों कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होगी तो ही आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स मुझे कवर करने हैं, तो मैं इसको ऐसे स्टार्ट करूँगा, एज पर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन, ओके, ये जो वर्ड है, फॉर ईच इनवॉइस ईच ईवे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड वेयर फॉर ईच कंसाइनमेंट अ वैल्यू इज मोर देन 50,000 irrespective of fact that they are transported in a same conveyance or transported by same consigner or receivable to same consignee. बस ये वर्ड्स आपके आने चाहिए, दैट्स ऑल। ओके, मार्क्स मिल गया आपको। सो इन गिवन केस, ओके, हियर ब्यूटी कॉस्मेटिक लिमिटेड वुड रिक्वायर टू जनरेट ईवे बिल फॉर ईच इनवॉइस एज वैल्यू मोर देन 50,000, दैट्स ऑल। ये सिंपल वर्ड में आपका कवर होना चाहिए। चलो, ये हमने देखा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, हैप्पी कंपनी इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिक गुड्स, ठीक है, इट हैज 3 स्टोर्स फॉर इलेक्ट्रिक गुड्स इन जोधपुर राजस्थान, नेमली राम स्टोर्स, श्याम स्टोर्स, मोहन स्टोर। इट रिसीव द ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक गुड्स वर्थ ₹1,40,000 एक्सक्लूसिव GST एट द रेट 18% फ्रॉम किशन सन्स अब भोपाल, मध्य प्रदेश। हैप्पी कंपनी फाउंड दैट, मेरे साथ अच्छे से पढ़ना क्योंकि इतना ही टाइम है मेरे साथ पढ़ने के लिए। हैप्पी कंपनी फाउंड दैट ऑर्डर वर्थ ₹43,000 कैन बी फुलफिल फ्रॉम राम स्टोर 45,000, पहला 43,000, अजी अच्छा, दूसरा 45,000 कैन बी फुलफिल्ड फ्रॉम द श्याम स्टोर एंड रिमेनिंग गुड्स 52,000 कैन बी सेंड फ्रॉम इट्स मोहन स्टोर। All three stores are instructed to issue separate invoices, लगभग पहले जैसे ही केस स्टडी है, for the goods sent to Kishan Sons. The goods are transported to Kishan Sons in Bhopal in a single conveyance owned by Shiv Transporter. Conveyance एक ही है। You are required to advise Happy Company with regard to issuance of EVA bill as per provision of CGST Act. जैसा मैंने, आपने कितने पॉइंट्स में कवर करना चाहिए वो मैंने पहले केस में भी पढ़ाया और ये केस में भी आपको कह रहा हूँ कि आपके 3 पॉइंट्स में आने चाहिए। CBIC क्लैरिफिकेशन, फॉर ईच इनवॉइस सेपरेट EVA bill इज रिक्वायर्ड, ओके, एंड ईच कंसाइनमेंट इज ट्रीटेड एज सेपरेट कंसाइनमेंट। सेकेंड, ए वैल्यू ऑफ ईच कंसाइनमेंट एक्सीड्स 50,000 देन EVA bill required to be issued irrespective of fact that consignor or consignee is same or transported in the same conveyance. Point khatam. Lekin, ab given case mein, aapko har consignment separate dekhna hai. Toh 43,000 EVA bill nahi lagega. Wait,
इमीडिएट डिसीजन मत लो, 43,000 में जीएसटी ऐड करना है और जीएसटी ऐड करके डिसाइड करना है कि वो अमाउंट 50,000 के ऊपर जा रही है नहीं जा रही है। 18% का जीएसटी आपको ऐड करना है, सेकंड में भी जीएसटी ऐड करना है, तीसरे में भी ऐड करना है और फिर देखना है कि 50,000 के ऊपर जिसका जिसका जा रहा है उसका ईवे बिल लगेगा। तो बेटा पहले केस में आपका अमाउंट 5740 जा रहा है लगेगा, दूसरे केस में 5300 जा रहा है और थर्ड केस में 61360 जा रहा है तो ईवे लगेगा। अब यहाँ पर इसको प्रेजेंटेशन टेबल फॉर्म में भी कर सकते हो, अच्छा लगता है। ओके, फॉर राम पहला आपका जो भी स्टोर होगा, राम स्टोर, श्याम स्टोर, मोहन स्टोर, स्टोर्स लिख लिए, ओके, वैल्यू लिख लिया, जीएसटी लिख लिया, जीएसटी विथ वैल्यू लिख दिया, कंसाइनमेंट वैल्यू लिख दिया एंड वेदर ईवे बिल इज रिक्वायर्ड, तो लास्ट कॉलम में यस ईवे बिल रिक्वायर्ड, प्रेजेंटेशन और क्लियर दिखता है और विजिबल दिखता है। मैं आपको एक बात बता दूँ, एग्जामिनर के पास यहाँ पे 15 मिनट होते हैं, 15 मिनट से 20 मिनट में एक पेपर उसको चेक करना होता है। अगर आप ऐसे पैरा में लिखोगे तो उसको देखने में तकलीफ जाएगी, आपका आंसर ढूंढने में तकलीफ जाएगी, पर इमीडिएट टेबल बना लिया ना आपने तो फिर फटाफट वो ऐसे टिक करता है, मार्क्स देता है। उसको जितना इजी वे में आप अपना कंक्लूडिंग आंसर दिखा सकते हो, पॉइंट्स दिखा सकते हो, उतने मार्क्स आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो इस बात का पूरा ध्यान देना है, इज इट क्लियर। उसके बाद में व्हेन इज एन ईवे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, आपको ईवे बिल कब जनरेट करना पड़ेगा ये हमने देखा। अब इसका आंसर जो है, हाँ अब यहाँ पे ये क्वेश्चन का नेचर समझ लो, व्हेन ईवे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। अब यहाँ आप लिखोगे कि कंसाइनमेंट वैल्यू ओके इज एक्सीड्स 50,000 देन ईवे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, बहुत छोटा आंसर दे दिया। अगर आप ऐसा लिखोगे कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कंसाइनर और कंसाइनी हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ओके वेयर कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स 50,000 रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, लेकिन इंस्टीट्यूट उसको थोड़ा और चाहती है कि इन रिलेशन टू सप्लाई हो या फिर ओके बाय रीजन अदर देन सप्लाई हो या ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये भी पॉइंट्स आपसे चाहती है सो दैट कि भाई ये पूरा क्लैरिटी है कि ईवे बिल जो है ओके कब रिक्वायर्ड मैंडेटरी जनरेट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ अगर आपने इतना लिखा तो आपको आउट ऑफ 3 मार्क्स 3 मार्क का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो मेरे हिसाब से वो 2 मार्क्स ही देंगे। सर हमने तो सही लिखा, फिर उन्होंने 2 मार्क्स हमें क्यों देंगे? क्योंकि बेटा अगर आंसर देखते हो तो वो ये भी चाहते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसके पास आंसर में ये भी पॉइंट्स कवर्ड है तो वो ये भी पॉइंट्स चेक करेगा क्या। ओके, 2 केस में आपको ईवे बिल रिक्वायर्ड नहीं है। कौन से 2 केस में बेटा? अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो पहला केस, सॉरी 2 केस में ईवे बिल मैंडेटरी है इरिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू। कौन से 2 केस में आपको ईवे बिल मैंडेटरी है? ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू मतलब अमाउंट लेस देन 50,000 भी होगी तो भी ईवे बिल बनाना पड़ेगा। एक है बेटा जॉब वर्क वाला पॉइंट पहले ट्रैक कर लेता हूँ, जॉब वर्क वाला और दूसरा हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाला। अच्छा चलो हमने पॉइंट ट्रैक कर लिए, जॉब वर्क और हैंडीक्राफ्ट गुड्स, पर ये पॉइंट क्या है बता देता हूँ। वेयर गुड्स आर सेंड बाय प्रिंसिपल लोकेटेड इन वन स्टेट टू अ जॉब वर्कर लोकेटेड अनदर स्टेट ओके ईवे बिल मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। मतलब जब आप दूसरे स्टेट में जॉब वर्क के लिए भेज रहे हो सेक्शन 143 के हिसाब से तो आपको ईवे बिल मैंडेटरी हो जाएगा। और सेकेंड केस में अगर वो हैंडीक्राफ्ट गुड होगा, आई रिपीट, वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स होगा और सप्लायर जो है एक स्टेट में है और वो रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट गुड्स को इंटरस्टेट सप्लाई होगा तभी भी ओके यहाँ पे थ्रेशोल्ड दिया है और वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर है हैंडीक्राफ्ट गुड्स का और वो दूसरे स्टेट में भेज रहा है तो ईवे बिल मैंडेटरी है ओके एज वेल एज पैन भी उसको देना पड़ेगा फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट ओके। तो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट गुड्स वन स्टेट टू अनदर स्टेट अगर ट्रांसफर हो रहा है, जो अनरजिस्टर्ड सप्लाई एग्जम्पशन में थ्रेशोल्ड में है सेक्शन 24 के इसमें, तो भी उसको ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो ये 2 पॉइंट भी आपको कवर करने हैं, यानी इस क्वेश्चन में आपको 50,000 का भी क्राइटेरिया देना है और कौन से केस में 50,000 से नीचे होगा पड़ेगा वो भी आपको देना है, ठीक है। उसके बाद में सप्लायर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी नीड नॉट टू मेंटेन सर्टन रिकॉर्ड, ये है अगर आप कंपोजिशन लेवी के लिए हो तो कौन सा रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ईवे बिल के क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए, ओके अब हम रिकॉर्ड्स पे यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं। तो कौन से केस में आपको यहाँ रिकॉर्ड्स जो है कौन से रिकॉर्ड्स कंपोजिशन स्कीम में मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर पहले क्वेश्चन भी आ चुका है। अब आपको बताओ स्टॉक का रिकॉर्ड, मेन पॉइंट स्टॉक रिकॉर्ड कंपोजिशन लेवी जो ऑप्ट कर रहा है उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं, इंक्लूडिंग उसकी डिटेल्स कितना प्रोड्यूस हुआ, सप्लाई हुआ, स्टोलन हुआ, रिटर्न ऑफ हुआ, ओके ये डिटेल्स आपको देने की जरूरत नहीं है।
ओके, और दूसरा अकाउंट्स कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ टैक्स पेबल और टैक्स कलेक्टेड, ओके, ये रिकॉर्ड्स आपको डिटेल में मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर बाला रजिस्टर पर्सन एट चेन्नई वांट टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड रिलेटिंग टू जीएसटी, एडवाइस हिम अबाउट द अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन। तो बेटा जो जीएसटी में रजिस्टर है, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई, स्टॉक ऑफ द गुड्स, आईटीसी अवेल, आउटपुट टैक्स पेड, अदर प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स, ओके, तो ये सब रिकॉर्ड जो है उसको यहाँ मेंटेन करने पड़ेंगे। तो ये था अकाउंट्स रिकॉर्ड्स और इवेबल, ठीक है, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स और इवेबल। चलिए ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ। फिर मैं ये चैप्टर ले लेता हूँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला। इस पर एक ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी। डिस्कस सप्लाइज विच हैव बीन नोटिफाइड एज डीम एक्सपोर्ट, ओके, किसे डीम एक्सपोर्ट कहा जाएगा। तो बेटा डीम एक्सपोर्ट्स को अगर आप रिफंड चैप्टर पढ़ोगे, तो मैंने अपने डिस्कशन में रिफंड चैप्टर में इसको कवर किया है। तो डीम एक्सपोर्ट में कौन कौन से सप्लाई माने जाते हैं, क्योंकि इसको रिफंड मिलते हैं, ओके, तो डिटेल डिस्कशन हम रिफंड चैप्टर में देखेंगे इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन होगा। फिर से कह दूं बेटा, मेरा अभी स्कोप यहाँ पे सिर्फ आईसीएआई के एडिशनल क्वेश्चंस डिस्कस करने का फोकस है, बाकी क्वेश्चंस मेरे क्वेश्चनर में दिए हैं और आप क्वेश्चनर से सॉल्व कर सकते हो। कुछ टॉपिक्स के वीडियोज मैंने जो है अपलोड करके रखे हुए हैं, ठीक है, यूट्यूब के प्ले लिस्ट में वी स्मार्ट एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको मिल जाएगा। नाउ फॉलोइंग सप्लाईज हैव बीन नोटिफाइड एज अ डीम एक्सपोर्ट। पहले सप्लाई ऑफ गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, ओके, देखो शॉर्ट में कैसा, जैसे मैंने नोट्स में बहुत लेंदी दिया है, उसकी प्रोविजो दिया है, इग्नोर इट, शॉर्ट में लिखना। जिसके पास एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस है, एफटीपी में हमने पढ़ा था, ओके, तो एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस जिसके पास है, ओके, उसको अगर आपने सप्लाई किया तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे डीम एक्सपोर्ट माना जाएगा और वो जो है रिफंड के लिए एलिजिबल होगा। सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स टू ईपीसीजी पर्सन, अगर कोई से पास ईपीसीजी है और उसको आप कैपिटल गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो वो डीम एक्सपोर्ट माना जाएगा। थर्ड, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू ईओयू, और लास्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय नोटिफाइड बैंक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन। तो सप्लाई ऑफ गोल्ड जो है अगर आप करोगे और बैंक्स या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सप्लाई कर रही है एडवांस ऑथराइजेशन में, तो डीम एक्सपोर्ट माना जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी था, तो ये क्वेश्चन के चार पॉइंट्स यहाँ पे हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, ओके, चार के इसमें ये ऑलरेडी समराइज है, इसको मैं क्या समराइज करूँ, ओके, मेरे बुक में तो ये लेंदी है, इवन हो सकता है कि मेरे क्वेश्चन में भी लेंदी है, पर इसको समराइज फॉर्म में, ओके, डीम एक्सपोर्ट में इन्होंने कवर किया है, ठीक है दोस्तों। तो चलो यहाँ पर हमारा डिस्कशन आज हम ख़त्म करते हैं। कल के इसमें हम रिटर्न रिफंड, ओके, जो यहाँ पे आगे का डिस्कशन है वो कवर करेंगे, ओके, टॉपिक में अभी आपको लिंक जो दिखेगी तो उसके लेवल पे टॉपिक भी दिख जाएगी, नेक्स्ट सेशन की लिंक लेवल पे, मेनली हम नेक्स्ट सेशन में रिफंड इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ओके, और रिटर्न चैप्टर इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, और रिफंड के बाद का जो चैप्टर होगा हमारे आईसीएआई का एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन में उस वो लिस्ट के हिसाब से हम जा रहे हैं, और रिफंड के बाद का जो चैप्टर होगा वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों यहाँ पर चलिए सेशन को मैं ठीक है ठीक है, तो यहां सेशन को एंड करते हैं बेटा, ठीक है, कल यही टाइम पे सेशन होगा 12:30। कल के चैप्टर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, 5 मिनट बाद जो भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछना चाहते कल टीडीएस टीसीएस पे या फिर ये इवेबिल वगैरह पे, तो वो मैंने जो लिंक आपको प्रोवाइड किए उस पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, नमस्कार, आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा, आई होप ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, कल मिलेंगे एट 12:30 PM, हाँ ठीक है।